तो हमने अभी बात की छोटे मोटे जो चेंजिंग होते हैं उन चेंजिंग के बारे में आपके सामने बात किया कि छोटे मोटे मल्टीप्लाई वगैरह डिवाइड वगैरह से कैलकुलेशन और वैल्यू फिल सेटिंग में कर सकते हैं। तो कि क्या वैल्यू फिल सेटिंग में हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, जैसे कि आपके सामने ये आर हमारा जो ग्रांड टोटल है वो डेसिमल्स में है, मैं इसको राउंड में करना चाहता हूँ। हालांकि राउंड हम यहाँ से कर देते हैं बट कुछ फॉर्मेट चेंजिंग हुआ ना, जैसे यहाँ पे मान लीजिए राउंड है तो ये फॉर्मेट चेंज नहीं ना, सिर्फ जो फॉर्मेट चेंज नहीं करना है हमें, इसको एक्चुअल में राउंड करना है। तो इसके लिए हम राउंड का फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कैलकुलेटर फील्ड में यहाँ से हमारा नया फील्ड बनाने की जरूरत नहीं है, जी टूटर सेलेक्ट किया तो यहाँ पे अमाउंट आ गया। अब इसी को मैं राउंड फॉर्मूले के अंदर रख सकते हैं, यहाँ पे कॉमा जीरो कर दीजिए और यहाँ पे हम इसको मॉडिफाई पे क्लिक कर देंगे। तो अब देखिए अमाउंट इन राउंड्स में आ गया। एक्सेल फॉर्मूले भी इसमें इस्तेमाल किए जा सकते हैं, तो इस तरह फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कौन से फॉर्मूले इस्तेमाल करेंगे, जिसका रिजल्ट नंबर में आ रहा हो। अगर टेक्स्ट, क्योंकि यहाँ पे टेक्स्ट शो नहीं करेगा, शो करेगा नंबर। अगर आप ऐसा कुछ फॉर्मूला लगाते हैं जो कि नंबर शो नहीं करता है, टेक्स्ट शो करता है, तो आपको एरर शो करेगा।